आइए हम आपको मिलवाते हैं आपकी खाना खिलाने की यशस्वी से, जो कर रही है रिहर्सल। तो चलिए चलकर जानते हैं आखिर किस चीज की रिहर्सल हो रही है। बहुत दिनों से मिसिंग है आप, फैंस के लिए मैं लेकर आई हूँ आपकी खनक, आपकी यशस्वी को, जिन्होंने हमने आज पकड़ लिया है रंगे हाथों। तो वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। बट आप यहाँ कर क्या रही है मैडम? आज हम आपकी रिहर्सल्स देखने आए हैं और आपके फैंस को आपकी रिहर्सल दिखाने आए हैं। कौन सी रिहर्सल? वो तो आप बताएंगी कौन सी रिहर्सल चल रही है। मुझे नहीं पता कौन सी रिहर्सल। हमें ऐसा पता चल रहा है कि बहुत जल्द यशस्वी US में परफॉर्म करने वाली हैं। तो अब बाकी की बातें और बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यशस्वी हमें देगी। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसने दी है पहले बताओ? हमारी खुफिया सोर्सेज है। ठीक है, ओके। So is it true that you're going to US and you'll be performing there? Yes, and I'm very excited क्योंकि this is going to be my first ever stage performance और मैं सीख रही हूँ अब भी, तो I'm excited। अच्छा, क्या performance है और क्यों जा रहे हो आप US? पहले तो ये बताओ क्यों जा रहे हो US? So there's a film festival called World Film Festival that is happening in Silicon Valley, San Francisco, और सिर्फ मैं ही नहीं बहुत सारे लोग जा रहे हैं। करण टैकर जा रहा है, निशा रावल, करण मेहरा, बॉस्को सीजर, राजकुमार संतोषी, राखी सावंत, सारा खान से बहुत सारे लोग जा रहे हैं और इन सब लोगों के सामने मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। परफॉर्म ही नहीं, कुछ जज भी करने वाली है। यस, आई एम जजिंग अ रैम शो एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि जैसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी दैट वॉज अ ब्यूटी पेजेंट और वहाँ पर हमें रैम शोज करने का बहुत मौका मिला है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, क्या परफॉर्म करने वाले हो, कौन से गाने हैं, किस पर परफॉर्मेंस है? आपको पता है मेरी फेवरेट डांसर कौन है या फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोस माधुरी दीक्षित। तो ऑब्वियसली मतलब पहला सॉन्ग और मैं उसके गाने पे परफॉर्म ना करूँ तो कैसे चलेगा? सो आई एम परफॉर्मिंग ऑन अ माधुरी मेडले विच हैज़ 3 सॉन्ग्स, एक दो तीन, आजा नचले एंड मेरा घाघरा। सो आर यू नर्वस लाइक यू विल बी परफॉर्मिंग देयर US में? I'm nervous not because I'm performing in US, I'm nervous because I'm getting used to the dance, I'm learning, but I always feel I'm still not that good, isliye nervous ho, but I'm reaching there. अच्छा, going to US बहुत लोगों का dream होता है and like you'll be going there, तो सिर्फ आप performance या फिर सिर्फ इस festival के लिए भी जा रहे हो या फिर कुछ और भी मस्ती करने जाओगे, extend करोगे अपना trip? मैं ज़्यादा तो extend नहीं कर पाऊँगी because I have a Reiki seminar in Mumbai on 6th, तो मैं 4-5 दिन घूमूंगी और वापस आ जाऊँगी। ओके, वैसे यशस्वी की लाइफ में क्या चल रहा है इस फिल्म फेस्टिवल के अलावा, वो आप बताना चाहोगे अपने फैंस को? सो मेरी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज्ड हुई है विच वॉज अ मराठी फिल्म कॉल लाल इश्क विद संजय लीला भंसाली प्रोडक्शंस। उसके बाद आई एम रीडिंग लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स बट मज़ा नहीं आ रहा है तो आई एम वेटिंग। उसके अलावा आई एम डूइंग रेकी, सो इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ रेकी इट्स अ हीलिंग एनर्जी, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, सो आई बीन डूइंग रेकी एंड आई एम डूइंग अ कोर्स फॉर 10 months। सो आई एम चेंजिंग एज अ पर्सन, माई एटीट्यूड, everything, my whole life is changing and I'm liking that. So meditation always helps a person to grow, right? So I'm doing that and learning dance, nothing else. Okay, are you looking for something very specific, like kuch aisa character hi chahiye jiske liye you want to do comeback? Of course, kyunki jab bhi offers aate hain wo bade ajeeb se hote hain, villain ya normal leads hote hain, and I'm looking out for something which you know jo mere andar ke actor ko na aise nichod ke rakh dega. मतलब एंड ऑफ द डे आप घर जाओ तो ऐसा लगना चाहिए ना कि वाह आज मैंने क्या सीन किया, मज़ा। लास्टली एनीथिंग यू लाइक टू से टू द फैंस, टू द व्यूअर्स, लाइक जो इतना मिस कर रहे हैं अपनी खनक को, अपनी यशस्वी को, वो उनके दूसरे कैरेक्टर का वेट कर रहे हैं? वेरी सून, आई कांट टेल यू सीरियल्स और फिल्म्स, सो व्हाटएवर कम्स फर्स्ट एंड व्हाटएवर अट्रैक्ट्स मी मोर आई विल टेक अप दैट। वन मोर थिंग आई हैव टू टेल ऑल द फैंस कि I am going to the US because of one of my fans. Oh. Yeah, so you don't know the story, right? Can you just tell us? So there's a fan called Daisy and she has been a loyal fan since so many years, since Odhani. और उसने अचानक मेरा प्रोफाइल और मेरे डिटेल्स सारे उन लोगों को मैसेज किए, आवाज़ प्रोडक्शन हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड शी टोल्ड कि शी हैज़ डन दिस सीरियल एंड देन दे कॉल्ड मी एंड Daisy also messaged me and I was really surprised. I was like, really? And these fans, they just don't love me, they criticize me. Yes, I get angry at times, but that's okay.
they praise me and they keep doing a lot of things. Yeah, that is so overwhelming. This love is too good, man. I want more. So ye thi hamare sath Yashashri jo bahut jald comeback karengi aur apne fans ko entertain karengi with cameraman Babaji Ashma Chawda, India Forum. Hi, this is Yashashri. You're watching me on India Forums, and for YouTube channel, please subscribe on India Forums.